उसके पहले हम लोग ने देखा था हॉर्टिकल्चर जो थर्ड एस्टिमेट जो लेटेस्ट एस्टिमेट है उसमें 342 मिलियन टन प्रोडक्शन और 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हुआ था। तो अब इसका आगे जो हम लोग को देखना है कि स्टेट वाइज रैंकिंग क्या है वेजिटेबल और ये सब, और ये आपको अगर ये समझ ना आ रहा हो ये क्या तामझाम बनाए तो इसके पहले वाला लेक्चर आप ज़रूर जाके देखिएगा अच्छे से। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल का इंडिया में और सबसे कम होता है हनी का। तो लेट्स बिगिन, स्टेट वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेट वाइज में देखिए आपको देखना है कि जैसे वेजिटेबल है तो वेजिटेबल में यूपी, ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, आपको बेसिकली फ्रूट जो प्रोडक्शन है वही याद रखना रहता है, स्टेट का प्रोडक्टिविटी एरिया ये सब याद नहीं रखना है। मेनली जो पूछा जाता है प्रोडक्शन का, और जहाँ जहाँ एरिया इंपॉर्टेंट है सीरियल्स का जब देखेंगे तब बता दिया जाएगा। तो एप्पल का मतलब कि जो फ्रूट्स का है वो आंध्र प्रदेश में, तो ये वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, प्लांटेशन क्रॉप केरला, ये स्पाइसेस है, तो स्पाइसेस अपना जो होता है एमपी में, और ये फ्लावर है, फ्लावर का जो फ्लावर में एक तो फ्लोरिकल्चर सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है मतलब फ्लावर कहाँ उग रहा है, और फिर एक है कट फ्लावर, एक होता है लूज़ फ्लावर। तो जो ओवरऑल है वो तमिलनाडु है, और जो लूज़ है वो भी तमिलनाडु है, और जो कट फ्लावर है वो वेस्ट बंगाल में है। तो कट से ऐसा कुछ याद रख सकते हैं कि वो लोग नॉन वेज होते हैं वेस्ट बंगालियंस अधिकतर, तो वहाँ काटे जाते हैं सब लोग। तो ये हो गया, और फिर एरोमेटिक मेडिसिनल एरोमेटिक ये अपना हो गया राजस्थान, और हनी जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी में। तो ये हमने एक तो दो ऑर्डर इसमें देख लिए, पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर वेजिटेबल से लेके हनी तक क्या क्या है ऊपर से लेके नीचे, फिर एक ये हो गया अपना वर्टिकल में, फिर हॉरिजॉन्टल में देखा हमने वेजिटेबल ये वो। अब इसमें बेसिक आपको एक और चीज़ याद रखनी है, तो वेजिटेबल में अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्शन तो इसमें आपको याद रखना है POT, पॉट पोटैटो ऑनियन टोमेटो, ठीक। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में है, सबसे ज़्यादा पोटैटो होता है, फिर ऑनियन होता है, फिर टोमेटो होता है। अगर पोटैटो भी सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कहाँ पे होता है, सिंपल सा यूपी में, यूपी वेजिटेबल और उसमें पोटैटो। ऑनियन पूछा जाए तो अपना होता है ऑनियन टोमेटो का, तो ऑनियन था अपना महाराष्ट्र, ऑनियन हो गया महाराष्ट्र, और टोमेटो का जो हो गया एमपी। तो ये इसका ख़त्म कर दिया अपन ने वेजिटेबल। फिर आते हैं इसका फ्रूट्स में, फ्रूट सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, और फ्रूट्स में आपको दो चीज़ याद रखनी एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज। लेकिन प्रोडक्शन वाइज जैसे देखिए बनाना सबसे याद होता है, तो BMC करके याद रखना है, बनाना, मैंगो, और जो सी है सिट्रस है। तो ये हो गया ऑर्डर प्रोडक्शन का। बनाना अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है तो आंध्र प्रदेश ही होगा, और अगर आपका पूछा जाए एरिया वाइज तो जैसे BMC हो गया अपना प्रोडक्शन वाइज, बनाना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर एरिया में देखा जाए तो जो मैंगो है उसका एरिया ज़्यादा रहता है। तो इसको अपन को याद रखना है MCB करके, MCB ये हो जाएगा अपना एरिया वाइज, ठीक है। तो ये याद हो गया। फिर अब प्लांटेशन में, प्लांटेशन में जो उसके नीचे हमने देखा था कि केरला है, तो प्लांटेशन में अगर सबसे ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप कौन सा उगता है वो हम देखेंगे। तो जो अपना है क्या बोलते हैं कोकोनट, वो सबसे ज़्यादा उगता है, तो केरला हो जाएगा कोकोनट, ये वाला हो गया। फिर स्पाइसेस का जो गार्लिक होता है वो सबसे ज़्यादा उगता है, वो भी MP में ही है, तो ये भी। तो जैसे जैसे स्टेट देखिए आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे जो इसका अपन ने देखा वेजिटेबल का यूपी में, तो सबसे जो हाईएस्ट वाला है वो भी यूपी का ही है ना। तो आंध्र प्रदेश से ये भी हो गया, ऐसे ही इसका भी हो गया, गार्लिक का केरला ना, गार्लिक का क्या बोलते हैं MP हो गया, केरला कोकोनट हो गया, फ्लावर का मैंने आपको बता ही दिया। तो यही था ये, तो ऐसे ही याद रखना है क्योंकि नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न होती है काफ़ी। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जैसे बनाना मैंने बोला BMC,
तो मैंगो भी अपना आंध्र प्रदेश ही है और बनाना भी आंध्र प्रदेश। जो सेकंड एस्टिमेट आया था उस समय मैंगो अपना शायद यूपी था, लेकिन अब जो थर्ड एस्टिमेट है लेटेस्ट वाला उसके अकॉर्डिंग मैंगो है, वो आंध्र प्रदेश का ही है, उसमें लीडिंग प्रोडक्शन है। तो ये चीज़ हो गई, वैसे ही आपको याद रखना है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ, हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाती है ऑयल सीड और पल्सेस में, तो देखिए ओपी से याद रखना है, ओपी तो जो इंडिया का मैप है अगर आप लोग देखेंगे ऐसे जैसे, तो ओ अपना आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ राजस्थान है, और पी आ रहा है राइट साइड में, यहाँ पे एमपी है, तो पल्सेस एमपी हो गया और ऑयल सीड अपना राजस्थान के लिए प्रोडक्शन हो गया। लेकिन अगर ओपी में हम लोग देखें कि एरिया वाइज, तो वहाँ पे डाटा चेंज हो जाता है, तो डाटा ऐसे चेंज होता है यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने बोला राजस्थान और पी बोला पल्सेस एमपी, ये अपना प्रोडक्शन वाइज। लेकिन अगर एरिया वाइज देखें तो एरिया अगर आपको पूछा जाए तो एमपी हो जाएगा इसका, क्रॉस में हो जाएगा ऑयल सीड का, और इसका जो पल्सेस हैं पल्सेस तो एमपी रहेगा, ठीक है। तो ऑयल सीड वाला डाटा चेंज हो गया जैसे यहाँ पे, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, पल्सेस नहीं हुआ। ऐसे अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल के देखेंगे, तो फ्रूट का जैसे कि जो था जैसे प्रोडक्शन वाइज और एरिया वाइज, तो इसका जैसे क्या बोलते हैं, फ्रूट का आंध्र प्रदेश था, वेजिटेबल का अपना था यूपी। लेकिन अगर एरिया वाइज देखेंगे तो इसका फ्रूट में हो जाएगा महाराष्ट्र और वेजिटेबल में हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये छोटी छोटी माइनर बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ये इम्पोर्टेंट था, फ्रूट वेजिटेबल इम्पोर्टेंट रहता है, फिर देख लिया हमने ऑयल सीड पल्स इम्पोर्टेंट रहता है, न्यूट्रीशियल्स का एरिया और दोनों प्रोडक्शन वाइज राजस्थानी आ गए हैं, और फूड ग्रेन अगर पूछा जाए जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो यूपी यूपी दोनों। अब एक और ट्रिक, जैसे कि अगर बोला जाए, जैसे एक इमेजिन कीजिए कि कार है, तो ये कार हो गई, कार मतलब यहाँ कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में एक बंदा है, वो कॉफ़ी पी के मज़े से सन के नीचे आराम से सिल्क की गाड़ी, मतलब सिल्क का जैसे रोड है सिल्क का बना हुआ, वहाँ पे चला रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या याद हो गया आपको, तो पहले तो सन, सन के नीचे सनफ्लावर, ठीक है। कर्नाटक में ये जो जो मैं बता रहा हूँ वो हाईएस्ट है, जैसे ये हो गया मज़े से, फिर मैंने बोला तो मेज, मेज सनफ्लावर, कॉफ़ी पी रहा है कॉफ़ी, अरीका नट, सिल्क अगर पूछा जाए हाईएस्ट सिल्क कहाँ प्रोडक्शन होता है, और मलबरी सिल्क भी, तो कर्नाटक ही आएगा। और नीचे यहाँ टायर पे ग्रीन चिली ऐसे लगा दिया जाए, तो अगर ग्रीन चिली पूछा जाए तो ये भी कर्नाटक में। तो और भी ऐसे आगे देखते हैं, तो अभी तक कितने लिए, तो थैंक यू।